आखिरी फाइट से पहले, जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज, मैं हूं दीपक मिश्रा। और सबसे पहले बुलेटिन में हम बात करेंगे सियासी खबरों की। आप जो नाम पढ़ रहे हैं मेरे पास में, आखिरी फाइट से पहले क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इस वक्त का एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको हम बता दें। मध्य प्रदेश में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, आज उपचुनाव में प्रचार करने का आखिरी दिन है और आखिरी अब 1 घंटा बचा है। आज शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। जितने भी राजनीतिक दल के प्रमुख स्टार चेहरे हैं, राजनेता हैं, उनके पास अब सिर्फ आखिरी के 1 घंटे रह गए। चुनाव प्रचार, उसके बाद चुनावी शोर थम जाएगा, उसके बाद प्रचार नहीं हो सकेगा। डोर टू डोर प्रचार जरूर हो सकेगा, लेकिन चुनावी शोर थम जाएगा ठीक 1 घंटे बाद। बता दें आपको, मध्य प्रदेश की जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, रैगांव की बात करें, जोबट की बात करें, खंडवा की या फिर पृथ्वीपुर, चारों ही सीटों पर दोनों ही राजनीतिक दल पूरी तैयारी से, जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और एक एक ही लक्ष्य है, सिर्फ एक ही लक्ष्य, और वो लक्ष्य है जीत का। बता दें आपको, 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होना है और 2 नवंबर को काउंटिंग होगी, 2 नवंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। मतदान के लिए चुनाव आयोग तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अभी हम सिर्फ बात करेंगे उन 2 पॉलिटिकल पार्टीज की, उन राजनीतिक दलों की जिनके बीच मध्य प्रदेश में इन 4 सीटों पर यह सीधा मुकाबला है, टक्कर का मुकाबला है। 4 सीटों पर चुनाव होना है और जितने भी दिग्गज नेता हैं, चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस के हो, दोनों ही राजनीतिक दल के प्रमुख चेहरे, स्टार चेहरे कैंपेनिंग कर रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा में पहुंचकर संबोधित करते हुए जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, ये वो बीजेपी के चेहरे हैं जो अलग अलग सीटों पर पहुंचकर अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनता से अपील कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के भी कुछ दिग्गज नेता हैं, कमलनाथ हो, अरुण यादव हो, और आज तो सचिन पायलट खुद मध्य प्रदेश आ गए। एक लोकसभा की सीट है और 3 विधानसभा की सीट है जहां पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होना है। आज आखिरी दिन है प्रचार का और आज शाम 5 बजे इन 4 ही सीटों पर प्रचार अभियान थम जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी लम्हों में हम दोनों ही राजनीतिक दलों की बात करें, कांग्रेस और बीजेपी की, दोनों तरफ से मतदाताओं को रिझाने की कोशिशें की जा रही हैं, सभाएं की जा रही हैं, तो चुनाव प्रचार के इन आखिरी लम्हों का बेहद खास कवरेज आज बंसल न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस कार्यक्रम में अगले 1 से 1.5 घंटे में हम आपको 4 ही सीटों के समीकरण भी बताएंगे, मुद्दे भी बताएंगे, नेताओं की क्या बयानबाजी रही, कौन से फैक्टर हावी रहे, सब कुछ बताएंगे। 4 सीटों पर हम आपको लेकर चलेंगे जहां हमारे संवाददाता आपसे लाइव जुड़ेंगे और वहां का ग्राउंड जीरो का क्या हाल है, जनता क्या सोचती है, कौन से फैक्टर हावी है, सभी बारीकी से पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इन 4 सीटों से वहां के वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे जिनके साथ वहां के सियासी समीकरण को हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए बारी बारी से अब हम सभी सीटों पर आते हैं। जैसा कि हमने आपको जिक्र करके बताया, 1 लोकसभा की सीट है और 3 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकसभा सीट की, यानी खंडवा सीट की। खंडवा सीट काफी सुर्खियों में रही, काफी चर्चाओं में रही। अगर खंडवा की बात करें तो इस उपचुनाव में यहां से बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल के सामने कांग्रेस के राजनारायण सिंह उम्मीदवार। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान सांसद चुने गए थे, लेकिन उनके निधन के बाद यहां पर उपचुनाव की स्थिति बनी। अब यदि 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम की हम बात करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के ही अरुण यादव को हराया था और जीत का मार्जिन देखिए, जीत का मार्जिन कितना था, यह जीत का अंतर था 2,73,343 वोटों का। यानी नंदू भैया ने, नंद कुमार सिंह चौहान ने 2,73,343 वोटों से अरुण यादव को हराया। इस चुनाव में बीजेपी ने कुल 57% वोट हासिल किए थे। अब खंडवा के बाद चलिए बची हुई जो 3 विधानसभा सीटें हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं, क्या है वर्तमान स्थिति और पहले इसके पहले चुनाव में क्या हाल रहा, कौन से प्रत्याशी थे, किसने कैसी बाजी मारी। अब बात करते हैं अगली कुछ विधानसभा सीटों की। सबसे पहले जोबट की बात कर लेते हैं खंडवा के बाद। जोबट की अगर देखिए बात करें तो जोबट सीट कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया यहां से विधायक रह चुकी है, उनके निधन के चलते जोबट की सीट खाली हुई और यहां उपचुनाव की स्थिति बनी। इस उपचुनाव में यहां बीजेपी की सुलोचना रावत का मुकाबला
कांग्रेस के प्रत्याशी महेश पटेल से है। बता दें आपको 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां पर यानी कि जोबट की सीट पर कांग्रेस की कलावती भूरिया ने जीत हासिल की थी और अच्छी खासी एक लीडिंग संख्या के साथ प्रतिशत के साथ ये वोट हासिल करते हुए कलावती भूरिया ने जीत हासिल की थी। कलावती भूरिया ने माधो सिंह दावर को यहां पर हराया था, उन्हें मात दी थी और इसके बाद उनकी जीत के अंतर को हम अगर देखें तो उनकी जीत का अंतर, कलावती भूरिया का जीत का अंतर था 2056 वोटों का। अब देखना होगा कि जोबट सीट पर सुलोचना रावत क्या कमाल कर दिखाती है। पहले तो कांग्रेस में थी लेकिन अब सुलोचना रावत जोबट में क्या कमाल करके दिखाती है। खंडवा लोकसभा सीट और जोबट विधानसभा सीट के बाद अब जो बची हुई दो विधानसभा की सीटें उस पर भी हम बात कर लेते हैं। दो सीटें बचती हैं, एक है रैगांव और दूसरी है पृथ्वीपुर। तो देखिए खंडवा में आपको हमने बताया सियासी समीकरण पहले क्या था, कौन यहां से प्रत्याशी था, कौन जीत कर आया और अभी किनके बीच सीधा मुकाबला है। जोबट की हमने बात की, अब रैगांव पे देखिए। रैगांव की सबसे खास बात यह है कि यहां पर दोनों ही प्रत्याशी महिला हैं, चाहे बीजेपी की बात करें कांग्रेस की बात करें। बीजेपी से यहां प्रतिमा बागरी है और कांग्रेस की तरफ से कल्पना वर्मा, दोनों ही महिलाएं। रैगांव में काफी दिलचस्प चुनाव देखने को मिलेगा। अब रैगांव की बात करें तो यहां पर देखिए बीजेपी के उम्मीदवार प्रतिमा बागरी के सामने कांग्रेस की कल्पना वर्मा है। यहां बीजेपी विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन के चलते उपचुनाव के हालात बने थे। रैगांव की और हम बात करें तो यहां 2018 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जुगल किशोर बागरी ने कांग्रेस की कल्पना वर्मा को हराया था। यहां जीत का अंतर 17,421 वोटों का था, जिसमें बीजेपी का वोट प्रतिशत 33.17% था। ये रैगांव की हम बात कर रहे हैं। पहले रैगांव से बीजेपी के जुगल किशोर बागरी थे और उन्होंने कल्पना वर्मा को हराया था। लेकिन देखिए आप, सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस ने एक बार फिर रैगांव से अपना प्रत्याशी उसी चेहरे उसी नाम को बनाया है, यानी कल्पना वर्मा को बनाया है, जिन कल्पना वर्मा को जुगल किशोर ने हराया था। चलिए इस खबर पर पूरे सियासी समीकरण के लिए हम चारों अलग अलग सीटों के लिए सीधा रुख करेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे विशेष संवाददाता एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, हमने अगर पिछले 10 से 15 दिनों की देखें बात करें, जहां पर चुनावी प्रचार बहुत तेज हो गया, आप बारी बारी से चारों सीटों पर पहुंचे, रैगांव, पृथ्वीपुर, जोबट और खंडवा, चारों सीटों पर पहुंचकर आपने क्या कॉमन फैक्टर देखा, क्या वो मुद्दे देखे और हवा किस तरफ देखी? देखिए हवा का रुख तो जनता के पास होता है दीपक, और वो रुख 2 तारीख को पता लगेगा जब मतदान सामने आएगा। लेकिन हम जाते हैं और समझते हैं, कुछ जायका भी लेते, चुनावी जायका हमारा कार्यक्रम भी उसी तरह का था जिसमें हम जायका कोई टेस्ट वाला नहीं था, यानी मुंह का टेस्ट नहीं था बल्कि चुनावी जायका था। तो उसमें समझ आ रहा था कि भले जनता ना कहे लेकिन धीरे धीरे कर महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता विचार कर रही है। और जहाँ तक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग नजर आए इस चुनाव में। यही देखिए आप, अभी मैं रैगांव में हूँ, यहाँ करीब 38 विधायक भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारे अपने प्रत्याशी के पक्ष में काम करने के लिए। उसी तरह 4 मंत्री यहाँ नजर आ रहे थे, सांसद, मुख्यमंत्री खुद 3 बार यहाँ पहुँचे, आज भी उनकी सभा हुई है। बीडी शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी कई बार यहाँ पहुँचे। पहले मैं रैगांव से ही शुरू करता हूँ तो रैगांव का मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। कल्पना वर्मा, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, पिछली दफ़ा करीब 17,500 मतों से वो हारी थी जुगल किशोर बागरी से। लेकिन जुगल किशोर बागरी का एक अपना वर्चस्व रहा इस क्षेत्र में और वो सभी समाज के वर्गों को, सभी जाति के लोगों को साध कर चला करते थे। इस बार के चुनाव में ये चीज़ें कमी देखी जा रही। प्रतिमा बागरी चुनाव मैदान में हैं, उनके बेटे पुष्पराज बागरी यहाँ से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन जातिगत समीकरणों का आधार यहाँ देखें तो ये चुनाव में कुछ अलग करने की तैयारी में है जैसा दिखाई देता है। और इसीलिए हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स इन लोग को साधने में लगे। रात को भी चर्चा चलती रही अलग अलग समाज के लोगों से, अलग अलग वर्गों के लोगों से, क्योंकि ये सतना रीवा का जो क्षेत्र है ये जातिगत समीकरणों के आधार पर आगे बढ़ता है। तो यहाँ भी बड़ा टफ है चुनाव दोनों के लिए, दोनों के जीत के अपने अपने दावे हैं। इसी तरह यदि हम दूसरी सीट जोबट की तरफ चलते हैं तो जोबट में महेश पटेल पर कांग्रेस ने दाव लगाया। महेश पटेल लगातार राजनीति में रहे हैं, मंडी के अध्यक्ष रहे हैं, उनके परिवार के लोग जुड़े रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुलोचना रावत, जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उसके बाद
बीजेपी ने अपने आप को मजबूत पाया जैसा बीजेपी का कहना है, लेकिन वहां भी जातिगत समीकरण अलग दिखाई देंगे क्योंकि आदिवासी वोटर से 38% वहां पर, जो बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला, और इसलिए आदिवासियों को साधने का प्रयास दोनों ही दलों की तरफ से किया गया है। दोनों प्रत्याशी नए हैं। एक तरफ सुलोचना रावत जरूर कांग्रेस से पहले विधायक रही है, 3 बार की मंत्री रही है, उनके पिता वहां से विधायक रहे हैं, तो लगातार वो परिवार राजनीतिक तौर पर देखा जाता रहा। लेकिन इस बार सुलोचना रावत जब बीजेपी में आई है तो ये मुद्दा भी कांग्रेस ने बनाने का प्रयास किया है कि ये दूसरे दल से आने वाले लोग हैं और कांग्रेस खरीद फरोख बीजेपी खरीद फरोख करती है। अब ये मुद्दा कितना हावी होगा, लेकिन दूसरी तरफ महेश पटेल जनता से जुड़े हुए नेता कहे जाते हैं। सुलोचना रावत बड़ी संयमित बात रखती है, बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व की धनी है। दूसरी तरफ महेश पटेल जो है वो सामदाम दंडभेद के रूप में जाने जाते हैं, जैसा हमने झोपट में देखा। तो यहाँ भी मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। यदि हम चलते हैं प्रतापपुर की तरफ तो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह वहाँ से पिछली दफा चुनाव जीते थे, वो उन्हीं का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस का गढ़। एक बार जरूर वहाँ से सुनीता नायक चुनाव जीत कर आई थी, जब आपको याद होगा कि सुनील नायक हत्याकांड हुआ था, चुनाव के दौर में ही गोलियां चली थी और उनकी जान चली गई थी, उसके बाद चुनाव हुआ था, तो वहां से सुनीता नायक चुनाव जीती थी। लेकिन लगातार ब्रजेंद्र प्रताप चुनाव जीतते रहे, नितेंद्र उनके बेटे चुनाव मैदान में। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने यशपाल सिंह को मैदान में उतारा है, जो सपा से पिछली दफा दूसरी पोजीशन में रहे थे 2018 के चुनाव में, तो वहां भी चुनाव का मुकाबला दिलचस्प दिखाई दे रहा है और दोनों ने अपने तरीके से पूरा जोर लगाया। जी चलिए, आप मनोज जी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर चारों ही विधानसभा, तीनों विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर आपने वहां की हवा देखी है, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आपने ली है, आपका रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अब हम कुछ चर्चा की तरफ चलते हैं, राजनीतिक मेहमान के प्रवक्ताओं की तरफ भी हम चलेंगे और कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये चार अलग अलग सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं ये कितने खास हैं। इसमें बेशक कोई दो राय नहीं है कि इन उपचुनाव के परिणाम चाहे जो भी हो, सत्ता से इसका कोई खास लेना देना नहीं है, मध्य प्रदेश की सत्ता पर परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन जनता के बीच एक मैसेज जरूर पहुंचेगा। चलिए हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से आशीष अग्रवाल जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ गए। आशीष जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ अब्बास हफीज जी सीधा भोपाल स्टूडियो से लाइव जुड़ गए। अब्बास जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नरेंद्र अर्जरिया जी जुड़ गए हैं, टीकमगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार हैं, वहाँ की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर नरेंद्र। और हमारे साथ जय नागड़ा भी जुड़ गए हैं। आप चारों मेहमानों का मैं स्वागत करूँगा। आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं आशुतोष पंचोली जी, अलीराजपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया, इसके पहले कि मैं हमारे राजनीतिक दलों के प्रवक्ता मेहमानों की तरफ पहुंचूं, मैं वरिष्ठ पत्रकार से सबसे पहले टिप्पणी की शुरुआत करते हुए, इस चर्चा की शुरुआत करूंगा टिप्पणी लेते हुए। आशुतोष जी आपसे ही बड़ा संक्षिप्त में और सीधा मेरा सवाल, कोई सत्ता परिवर्तित तो नहीं होगी परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन जनता के बीच एक मैसेज जरूर जाएगा, जनता किससे नाराज है या जनता किसके काम से खुश है। हालांकि अभी फाइनल चुनाव होने में 2023 के विधानसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन ओवरऑल चारों सीटों के उपचुनाव से पहले कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अलीराजपुर जिले में झोबट विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा संदेश देने वाला है पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट मानी जाती रही और लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी नियमित तौर पर जीतते रहे, किंतु इस बार जिस प्रकार से भाजपा ने चुनावी रणनीति बनाकर जो मैदान संभाला है, उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार भाजपा कड़ी चुनौती के रूप में कांग्रेस के सामने दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आदिवासी बहुल मतदाताओं में सरकार के प्रति कहीं ना कहीं नाराजगी भी है, बढ़ती महंगाई, पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि और खासकर खाद्य तेलों के दामों में वृद्धि का भी असर यहाँ पर मतदाताओं में देखा जा रहा है। मतदाताओं की नब्ज जानने के लिए गाँव में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुनावी रणनीति बनाकर काम शुरू कर दिया है। कई बड़े प्रदेश के 4 मंत्री यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं, सीएम शिवराज सिंह जी स्वयं यहाँ पर 2 बार चुनावी सभाएं ले चुके हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर रात्रि बिता चुके हैं। इसको देखकर यह लग रहा है कि भाजपा इस बार कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। लेकिन एक चीज आशुतोष जी, जो मैं देख रहा हूँ झोबट सीट की, अगर मैं खास तौर पर बात करूं, झोबट सीट में जो उपचुनाव हो रहे हैं ये पार्टी से ज्यादा व्यक्तिगत मुझे ज्यादा नजर आते हैं। यहाँ पर एक दूसरे की छवि को डैमेज करने की भी कोशिश प्रत्याशियों ने की है। मुझे कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा व्यक्तिगत ये चुनाव ज्यादा लगता है। इस पर कितनी आप हामी रखते हैं, ये कैसा फैक्टर है? चूंकि बीजेपी के पास सरकार के कार्यक्रमों की योजनाओं का मुद्दा था, किंतु
जो दल बदल का जो प्रक्रिया यहाँ पर हुई है जोबट में, जो सुलोचना रावत जी जिस प्रकार से अभी तक कांग्रेस से 3 बार विधायक रही और एन वक्त पे उन्हें बीजेपी में शामिल किया गया और उन्हें हाथों टिकट भी दिया गया, और इसके बाद से जो जुबानी जंग यहाँ पर जो भाजपा के बड़े नेताओं ने आकर मैदान में शुरुआत की है, उसी को लेकर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी का माहौल बनना शुरू हुआ है। हालांकि इससे मतदाताओं के बीच यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मतदाताओं को यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों का चरित्र अच्छे से मालूम। जी कुछ कुछ ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है शायद टेक्निकली, मैं फिर एक बार आपसे जुड़ूंगा। जय नागड़ा जी का अब हम रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, खंडवा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, और एक जो लोकसभा सीट है इन 4 सीटों में से, वहाँ की राजनीति, वहाँ की सियासत को बेहतर तरीके से हमें समझा पाएंगे। नागड़ा साहब, आपसे हम समझना चाहेंगे, 3 विधानसभा तो हैं ही, लेकिन ये लोकसभा सीट है, हमने देखा बीजेपी हो कांग्रेस हो दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से स्टार चेहरे पहुँचे, आज तो खुद सचिन पायलट यहाँ पर पहुँच गए, और 3 दिन पहले जिस तरह एक बड़ा तगड़ा झटका कांग्रेस को बीजेपी ने दिया, सचिन का बीजेपी में आ जाना, बड़वा सीट से जो सचिन बिरला है उनका बीजेपी में आना, ये एक बड़ा फैक्टर रहा, ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है, उपचुनाव, जैसा आपने भी कहा, ये कोई सरकारें बनाने वाला नहीं है, सरकारें बिगाड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये अगले लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट कह सकते हैं। इसीलिए सारे नेताओं की, सारे बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा इस पर दांव पर लगी है। इसीलिए आप देखिए कि शिवराज जी के लिए ये जितना महत्वपूर्ण चुनाव है, उतना ही महत्वपूर्ण ये कमलनाथ जी के लिए भी है, और वो लगातार यहाँ पे दौरे किए जा रहे हैं, रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं, और सारी जो जो चुनाव को लेकर के किया जा सकता है वो सारी प्रक्रिया वो अपना रहे हैं। तो अब कांग्रेस के लिए यदि हम बात करें तो एक तो यहाँ पे 16 प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन सीधा मुकाबला है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बागी प्रत्याशी यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये इस बार पहली बार कांग्रेस एकजुट है, भाजपा एकजुट है, और एकजुट होकर के लंबे अरसे बाद, नहीं तो कांग्रेस कई धड़ों में बटी हुई यहाँ पे दिखती थी, लेकिन पहली बार अरुण यादव जी ने जिस तरह की स्ट्रेटेजी की, वे खुद और अपने ही दूसरे जो कांग्रेस का दूसरा गुट था उसके समर्थन में उन्होंने बहुत संजीदगी के साथ प्रचार किया, तो पहली बार कांग्रेस बड़ी एकजुट होकर के लड़ रही है। इसी तरह कहीं ना कहीं भाजपा में भी जो शुरुआत में प्रत्याशी को लेकर के चयन को लेकर के जो एक विवाद की स्थिति थी, बीजेपी ने शुरुआती दौर में ही उसे आपस में अच्छे से हैंडल किया, और आज की तारीख में ये कह सकते हैं कि दोनों अंतर्कलह से मुक्त होकर के चुनाव लड़ रही हैं। चलिए, और जी बिल्कुल, और दूसरा कि अभी तक यदि 1952 से लेकर के अब तक देखें तो एक उपचुनाव इसके पहले हो चुका है 1979 में, तो उसे मिलाकर के अभी तक 18 चुनाव हुए हैं, जिसमें 9 में कांग्रेस, 9 में बीजेपी जीती है, तो अभी तक ये कहते हैं कि कह सकते हैं कि दोनों बराबरी पे हैं, और ये चुनाव जो है इसके परिणाम बताएंगे कि अब पार्टी कौन सी आगे बढ़त लेती है। चलिए, मुझे शिवराज सिंह चौहान का वो एक बयान याद आ रहा है, क्योंकि खंडवा सीट में ऐसे तो तमाम फैक्टर रहे, लेकिन पानी का मुद्दा काफी गूंजा, जब कमलनाथ ने एक्टर कहा और डायरेक्टर नरेंद्र मोदी को कहा, तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस एक्टर ने निमाड़ में पानी लाने का काम किया, कई ऐसी बयानबाजी हावियां रही। मैं कुछ और भी पत्रकारों की तरफ आऊंगा, लेकिन अब थोड़ा राजनीतिक मेहमानों का भी हम रुख कर लेते हैं। अब्बास जी, आपके लिए तो बड़ा सवाल यह है, क्योंकि लगातार जिस तरह झटके पर झटके कांग्रेस को पिछले कई दिनों लगे हैं, कई विधायकों का बीजेपी में आना कांग्रेस पार्टी छोड़कर, ये तो एक बड़ा चैलेंज रहा ही है कि कांग्रेस इससे रोक क्यों नहीं पा रही है, लेकिन सचिन बिरला का अब अचानक से आ जाना, और शिवराज सिंह चौहान तो कह रहे हैं कि अभी भी कई कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में है। साम दाम दंड भेद की राजनीति पर दीपक जी जब उतरा जाता है, जब उस पार्टी, किसी पार्टी के पास कुछ बचता नहीं है, उसके पास मुद्दे नहीं बचते, भारतीय जनता पार्टी के जैसे कह लीजिए कि जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप अगर देखें तो यहाँ पर आज जो हालात बने हैं, भाजपा का वैचारिक दिवालियापन जो हुआ है उसकी वजह से उनको बस मजबूर हो गए हैं वो लोगों को लेने के लिए, और आज लोगों को लेने पे वो उतारू हुए इस हद तक जाकर के भले ही जनादेश की चोरी हो, हत्या हो, लोकतंत्र किसी भी हद, जनता ईमानदारी के साथ वोट देती है, अगर जनप्रतिनिधि बेईमानी करता है तो जनता उसको साथ न्याय करने का काम करती है, उस अन्याय के खिलाफ। हमें पूरी जनता से उम्मीद है,
आज सचिन पायलट जी से जिस तरह से जुड़ाव था बड़वाह की जनता का, बड़वाह के लोगों का, वो वहां पर पहुंचे हुए थे उनकी सभा में, वहां से भी लोग गए थे, तो उसमें साफ दिख रहा था कि बड़वाह में हमारा सबसे बड़ा मार्जिन होगा लीड का। आप देखिएगा, निमाड़ की बात की गई पानी देने की, तो यहाँ सारे वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हुए हैं और जो जनता जनार्दन देख रही है, निमाड़ को पानी देने का काम सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो स्वर्गीय सुभाष यादव जी ने किया है। सुभाष यादव जी ने वहां पर जो डैम्स का और जो नहरों का जाल बिछाया, उससे आज निमाड़ की खेती बहुत आगे है। हाँ, लेकिन कारखाने लगाने चाहिए थे कपास वगैरह के, उसमें शिवराज सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई 17 सालों के बावजूद भी। आज इस तरह के मुद्दे जो हैं उन पर जवाब देने की हिम्मत इनमें नहीं है। हम आशीष जी से उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं, विद्वान व्यक्ति हैं उस पार्टी के, कि वो शायद मेरे सवालों के और जनता के सवालों के जवाब दें। उनके नेताओं ने सवालों के जवाब नहीं दिए। आज भी कमलनाथ जी ने यही कहा, आज भी यही कहा, बेरोजगारी पर बात करी गई, बेरोजगारी पर कोई जवाब नहीं है, हर घर के अंदर बेरोजगार कर दिया भाजपा ने लोगों को, उसके साथ साथ जो व्यापार है वो पूरी तरह से ठप हो गए हैं, इन पर कोई जवाब नहीं है। महंगाई के ऊपर चर्चा नहीं कर सकती है भाजपा, जब चर्चा नहीं करेगी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ती है। बहुत बहुत सारे अब्बास जी आपने सवाल उठाए, बीजेपी से मैं ले लेता हूँ प्रतिक्रिया। आशीष जी क्या कहेंगे, साम दाम दंड भेद, कांग्रेस का कहना है कि आप मुद्दों पर तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो मुद्दों पे चुनाव लड़ता है, बाद बाकी तो मुद्दों पे भटकाने का जो एक स्ट्रैटेजी है वो कांग्रेस की सदैव रही है। वैसे दीपक जी, अगर किसी मैच का परिणाम समझना हो तो खिलाड़ियों की हमें बॉडी लैंग्वेज समझनी चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस के मंच पे कमलनाथ जी और उनके साथी नेताओं के शोल्डर्स डाउन रहते थे, कंधे झुके हुए रहते थे, और भारतीय जनता पार्टी के मंच पर अपनी योजनाओं का बखान करते हुए शिवराज सिंह जी चौहान और साथी मंत्रियों का समय कम पड़ जाता था, और जो जनता का उत्साह भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में दिखता था और जो कुर्सियां खाली कांग्रेस की सभाओं में दिखती थी, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। परिणाम स्पष्ट है, 4-0 से भारतीय जनता पार्टी ये चारों उपचुनाव जीतेगी। देखिए, कांग्रेसी जहां जहां जाते थे, कमलनाथ जी जहां जाते थे कि जनता और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे 15 साल को लेके जो सवाल करते थे उसका वे उत्तर नहीं देते थे कि किसान कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ, एक ऐसा बेरोजगार बता दें जिसका 4,000 रुपए भत्ता मिला हो, एक बेटी बता दें जिसको कन्यादान की राशि मिली हो, ऐसे अनेक प्रश्न, और कमलनाथ उससे बचते नजर आए। दिग्विजय सिंह जी ने जैसे ही थोड़ा सा प्रचार प्रारंभ किया तो उनके विधायक टूटने लगे, तो कमलनाथ जी ने उनको घर बिठा दिया। आज सचिन पायलट जी को लाए वो, क्योंकि बड़वा में एक गुर्जर समाज का एक विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, परंतु उस गुर्जर समाज के विधायक ने जो प्रश्न सचिन पायलट से उठाया उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया, क्योंकि जब सचिन पायलट को बिकाऊ कहा गया, जब नाकारा और निकम्मा कहा गया, तो वह गुर्जर समाज का अपमान था, तो सचिन पायलट जवाब नहीं दे पाए कि क्यों कांग्रेसियों ने उनको उप मुख्यमंत्री पद से हटाया, उनको राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया, उनको बिका हुआ बताया। तो कांग्रेसी जहां जहां जाते थे स्वयं हिट विकेट होते थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्य व्यवहार पर, उनकी जनता में पहुंचाई गई योजनाओं पर कोई उनके पास उत्तर नहीं था, और जो बात करते थे वो जनता स्वयं उनको बता देती थी कि आपकी 15 महीने की सरकार वादा खिलाफ थी, और इस बार भी आपका हश्र वही होगा जो 28 उपचुनावों में हुआ है। चलिए, मैं लौटूंगा आप सभी मेहमानों के पास, क्योंकि देखिए बहुत कम वक्त रह गया है, चुनावी शोर 5 बजे थम जाएगा प्रचार का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त पृथ्वीपुर सीट पर पहुंचे हैं, निवाड़ी में क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं, उसके बाद फिर से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। विकास के काम हो चाहे जनता के कल्याण के काम हो, सुनो मेरे बेटा बेटियों, मामा की आवाज सुनो, ये कमलनाथ ने मेरी संबल योजना बंद कर दी थी, और संबल योजना बंद करके जो पढ़ने वाले तेज बच्चे थे। चलिए, थोड़ा नेटवर्क इशू है, पृथ्वीपुर के निवाड़ी से तस्वीरें मिल रही हैं, और मुद्दा वही है। हम शिवराज सिंह चौहान की लगातार उन पिछली सभाओं को भी देखें तो एक मुद्दा जिसका बार बार जिक्र शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मेरी जनहितेशी योजनाओं को कमलनाथ ने क्यों बंद कर दिया, कमलनाथ की सरकार जब आई तो उन सारी योजनाओं को बंद क्यों कर दिया गया, और किसानों के साथ युवाओं के साथ क्यों झूठे वादे किए, क्यों कर्ज माफी नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी कहती है कि आपने तो खुद कबूल किया है। चलिए, वैसे आ गया है, हम सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। खूब पढ़ना ढंग से, अगर तुम्हारी बुद्धि से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में भी हुआ और 8 लाख रुपया साल फीस हुई तो फीस कौन भरवाएगा।
मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएगा। तुम्हारी जिंदगी बदलने का चुनाव है ये। और मेरी बहनों, तुम्हारे गुरुवे छीन लिए थे कमलनाथ ने। बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 देते थे, जन्म के बाद 12,000 देते थे। कमलनाथ, तुमको बहनों के लड़वा नहीं सुहाए रे। तुमने मेरे बहनों के मुंह से लड़वा छीन लिए। अब मेरी बहनों, दो बच्चों के जन्म तक जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि बहने घर पे रह के आराम कर सके। कांग्रेस लड़वा खिला सकती है क्या? कौन खिलाएगा? मेरे बहनों और भाइयों, संभलो तो पूरी बात। एक्सीडेंट में मौत पे 4,00,000 को छुड़ा लिए कमलनाथ। चलिए देखिए, 15 साल बनाम 15 महीने कमलनाथ की सरकार सत्ता में, मध्य प्रदेश की सत्ता में 2018 में, सिर्फ 15 महीने के लिए आई, सत्ता परिवर्तन हो गया। और उस सत्ता परिवर्तन में कमलनाथ ने क्या क्या काम किए, किस तरह से योजनाओं को बंद किया, इसका जिक्र शिवराज सिंह चौहान लगातार हर सभा में कर रहे हैं। एक बार फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक अब्बास जी, आपसे ये मैं प्रतिक्रिया लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए बीजेपी लगातार ये कहती है कि आप आरोप लगाते कि हम मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, हम असली मुद्दों से भटक रहे हैं, लेकिन जो हमारी असली योजनाएं थी, जनहितेशी योजनाएं थी, उन्हें तो आपकी सरकार ने बंद कर दिया था। तो जनता ये भी देख रही है कि आपने अच्छी योजनाओं को बंद कर दिया और झूठे वादे बेरोजगार युवाओं के साथ किए, मध्य प्रदेश के किसानों के साथ किए, इन मुद्दों से कांग्रेस क्यों बचती है? दीपक जी, योजनाएं बंद करने के सवाल का मैं जवाब जरूर दूंगा, उससे पहले अपनी एक टिप्पणी जोड़ना चाहता हूं। देखिए क्या हालत हो गई है आज शिवराज जी की और उनकी पार्टी की, कि उनको सामने दिख रही है हार, कि चुनाव के आखिरी घंटे में ये धमकाया जा रहा है मतदाताओं को कि अगर कांग्रेस को चुन लिया तो काम नहीं करेंगे। ये भेदभाव का जो तरीका है, इससे जनता इनके अहंकार को तोड़ने वाली है। हमारा एक एक विधायक विपक्ष में रहकर भी अपना काम कराना जानता है और मामा से पूरा पैसा निकलवा के अपने क्षेत्र में लगवाना जानता है। तो ये धमकियां देना जो है शिवराज जी को अब अच्छा नहीं लगता है और उनकी जनता भी सुनना नहीं चाहती है। तो यह साफ प्रमाण है कि बौखलाहट है भाजपाइयों में, जो साफ बता रहे हैं कि अगर दिया किसी और को तो क्या काम करूंगा मैं, मतलब तो आपको वोट देंगे तो काम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब दूसरी बात आते हैं, आप योजनाएं बंद करने की जो बार बार कहा जाती है बात, योजनाएं कौन सी बंद की थी? अरे उन योजनाओं का लाभ जो पात्र लोग थे जिनको नहीं मिलके भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिल रहा था, संबल योजना का हमने तो सीधे सीधे एक्सपोज किया था, बेनकाब किया था, पत्रकार वार्ता करके फोटो दिखा करके भाजपा के झंडे लगे हुए थे जिन घरों के अंदर, जो बड़े संपन्न घर थे उन लोगों को लाभ दिया जा रहा था, जो पात्र लोग थे उनको उससे वंचित रखा जा रहा था। तो ऐसी योजनाओं के घोटाले वाले योजनाओं को तो हम आने वाले समय में भी नहीं चलने देंगे। हमने योजनाएं ला के रखी, इंदिरा गृह ज्योति योजना ला के रखी, जिससे अंतिम पंक्ति तक खड़े हुए व्यक्ति को 100 रुपये का बिल बिजली का भरना पड़ा, जो व्यक्ति आज 2,000 रुपये का भरने को मजबूर है। ये सारी बातें सुनने में बड़ी अच्छी हैं, लेकिन धरातल पर कोई बातें हैं नहीं। किसान जो है हमारा, उसके हमने बिजली के बिल आधे किए, हमने 10-10 हॉर्स पावर के बिल जो किए आधे करके रखे, जो शिवराज सरकार में दुगने थे। क्या कहा जाता था, बम्पर है यहाँ पर सरप्लस स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद भी लूटा जा रहा था और अब फिर लूटा जा रहा है, जनता देख रही है इस चीज को। 27,00,000 किसानों का कर्जा माफ किया, अरे आपने 2008 में वादा किया था 50,000 रुपये का कर्जा सीमांत किसानों का माफ करने का, एक का बता दीजिए, एक का नहीं किया। हमारा तो कमल पटेल जी ने खुद प्रमाण दिया विधानसभा के पटल पर रख के 27,00,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ है। लेकिन फिर अब्बास जी, फिर बार बार बीजेपी किसान कर्ज माफी का मुद्दा फिर क्यों ले आती है आप? अगर हम झूठे थे, अगर हम धोखेबाज थे, अगर हमने फ्रॉड किया था, तो 15, 18, 20 महीने 2 साल के अंदर भाजपा ने जांच बिठा के साबित कैसे नहीं किया? क्योंकि दीपक जी उन्हें मालूम है और उन्होंने खुद पटल पर रखा है अपनी विधानसभा की सरकार के दौरान। अभी कमल पटेल जी ने 27,00,000 किसानों का कर्जा माफ किया गया। इधर उधर की बातें कर लीजिए, कन्यादान योजना के पैसे हमने दिए हैं, अगर एरियर्स हैं तो लाके दिखाइए सामने, कहां नहीं दिए और आपने क्यों उसको जारी नहीं किया? ये वादा तो 2008 में बीजेपी ने भी किया था, हमने काम करके दिखाया। अगर हमने कोई घोटाला किया तो उसके ऊपर जांच क्यों नहीं बैठी और जांच में प्रमाणित क्यों नहीं हो? भाजपा के मंच से बातें कहना अलग है, विधानसभा में वो कहना पड़ता है जो तथ्यों के साथ होता है। इसी तथ्यों के साथ विधानसभा में इन्होंने कहा कि हाँ कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी की। और ये कह रहे थे, आखिरी बात ये कह रहे थे आशीष जी, विद्वान साथी हैं हमारे और इनको सोचना चाहिए, थोड़ा अध्ययन करते हैं, अध्ययन और करना चाहिए। हमने कन्यादान योजना की दुगनी राशि नहीं दी, काला पीपल विधानसभा की 3 सूचियां हमने जारी की हैं, मैंने जारी की थी मीडिया के अंदर, कुणाल चौधरी जी ने 3 सम्मेलन कराए
और उसके तीनों के पैसे दिलवाए, चौथा सम्मेलन हुआ, भाजपा की सरकार आ गई, उसके पैसे नहीं मिले हैं। तो ये अनेकों अनेक हमारे पास दस्तावेज हैं। फिर अब्बास जी, फिर आप जिस दमदारी से बातें रख रहे हैं, फिर इस बात में कितनी सच्चाई है? शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी के प्रवक्ता खुद कहते हैं कि कांग्रेस के विधायक जब कमलनाथ के पास जाते थे तो कमलनाथ कहते थे कि पैसे नहीं है, आगे बढ़ो, मंत्रालय दलाली का अड्डा बन गया था। इतने गंभीर आरोप, मुझे लगता है दीपक जी इनके शिवराज जी और 10-15 विधायक हमारे ही कमलनाथ जी घर पे रहते थे, जो उनको सारी चीजें मालूम है। वल्लभ भवन के पांचवें माले पे इनके 10-12 विधायक शायद हमेशा मौजूद रहते थे, जो इनको सारी चीजें मालूम है। ये तो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बातें करते हैं। 24,000 घोषणाएं कोरी करने वाले लोगों पे क्या भरोसा किया जाएगा, जो हर वक्त घोषणा के मूड में रहते हैं। आज भी कर दी, अभी कर रहे थे, उससे पहले भी करी। तो ऐसे अगर झूठ बोलने वालों के साथ मुकाबला तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन तथ्य है, जनता जानती है, जनता के सामने है और जनता को फायदा पहुंचा है। जनता ने अपने आप फायदा महसूस किया। शुद्ध के लिए युद्ध हमने शुरू किया। जनता को 15 साल से जो लोग मिलावट वाला खाना खिला रहे थे, जिनके पास ये दिशा नहीं थी क्या करना है, हमने माफिया का सफाया करने का काम किया। हमारे जो दिशा दिखाई, हमने दिशा दी, उस पर चलने वाली सरकार बन गई है इनकी। इनके पास तो कोई विजन ही नहीं है। चलिए, दमदारी से अब्बास जी, कमलनाथ सरकार के वक्त क्या क्या अच्छे काम हुए प्रदेश में उन्हें गिना रहे हैं। छोटी सी प्रतिक्रिया आशीष जी, उसके बाद में डॉक्टर नरेंद्र का रुख करूंगा पृथ्वीपुर सीट का समीकरण समझने के लिए। छोटी सी प्रतिक्रिया आशीष जी। देखिए, इतनी लंबी बात पे छोटी सी प्रतिक्रिया कैसे हो सकती है दीपक जी, तो पर्याप्त समय दीजिएगा। देखिए, सेल्फ सर्टिफिकेशन इस दुनिया में सबसे आसान विषय है। आप स्वयं अपनी परीक्षा की पुस्तक जांचें और अपने आप को 100 में से 100 अंक दे दें। परंतु बाबा साहब ने इसका समुचित प्रबंध किया है। जनता तय करती है कि सरकारों ने काम किया या नहीं किया। तो 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने 28 उपचुनाव झेले थे और 28 उपचुनावों में 2/3 सीटों से ये इनके जितने भी हवा हवाई बातें हैं वो ध्वस्त हो गई थी। और कमलनाथ जी भी यदा कदा स्वीकारते थे कि हवा हवाई राजनीति नहीं चलेगी। तो कांग्रेसी कार्यालय से अगर हम कर्ज माफी के सर्टिफिकेट निकाल दें, पूरे मध्य प्रदेश में एक भी ऐसा बेरोजगार बता दें जिसको 4,000 भत्ता मिला हो, तो मैं अभी भी इनसे दावा करता हूँ, ये बताएं। और सुनिए ना, देखिए बीच में मत रुकिए, मैं आपको नहीं रोकता। थोड़ी बात सही कीजिए ना, विधानसभा के अंदर रखा ना आपके मंत्रालय, पूरे अध्ययन से बात करता हूं। देखिए, विधानसभा में नहीं रखा क्या कमल पटेल जी ने? नहीं रखा क्या? अब आपने कहा, सुनिए ना मेरी बात, अब आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती। तो अभी आपने मेरे मुख्यमंत्री को सुना, हम सबके मुख्यमंत्री को सुना, वो तो बहुत दमदारी से मुद्दों की बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि आपने संबल योजना बंद की, आपने बेटियों के बहनों के लड्डू छीन लिए, हमने प्रारंभ किए। आप वो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना आपने बंद कर दी, हमने प्रारंभ की। अब जनता को फैसला लेने देना कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो मध्य प्रदेश की जनता है या नहीं है। और हम तो कहते हैं कि इस मध्य प्रदेश के सारे लोग, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वीकारते हैं तो हमें कोई बात नहीं है, हम तो अपनी ताकत को इससे ज्यादा मानते हैं। सुनिए ना मेरी बात, के ऊपर हमने बेहतर योजनाएं दी। आपने कहा कि 15 माह, तो 15 माह की सरकार से पहले आप जितने आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते थे, मसलन व्यापम घोटाला, मसलन मंदसौर का किसान हत्याकांड, मसलन ई टेंडरिंग घोटाला, आपने 15 महीने में क्या किया? वो पूरे 15 महीने की जांच का आखिरी जब वक्त था तो आपने सरकार गिरा दी डर के मारे, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़े आरोप हो रहे थे। जब आपकी कमलनाथ सरकार थी वो नाकारा सरकार है, और आज जब आप विपक्ष में है तब भी नाकारा है। हमने जो आरोप लगाए थे, हमने उनकी जांचें बिठाई, व्यापम हो, टेंडरिंग हो, डंपर हो, सबकी जांचें बिठाई। जब आखिरी दौर में जांचें आई तो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे थे, तो उन्होंने डर के मारे सरकार गिराने का कृत्य किया। बारी 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 से हम चर्चा करें बेहतर होगा, दोनों की आवाजें गूंजेगी, क्लैश होगा, कुछ समझ नहीं आएगा। अभाव होता है तो ये व्यवधान पैदा करते हैं। वक्त दे दीजिएगा 20 सेकंड का बस। जी नहीं आशीष जी, लेकिन उनका बस यही कहना है कि हम जब जांच बैठा रहे थे, हम जब जांच कर रहे थे, तो हमारी सरकार गिरा दिया। में गए उस विधानसभा में इनसे 15 महीने की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने गिराई क्या? अरे कांग्रेस अपनी नीतियों की वजह से, अपने विघटन की वजह से सबको मंत्री बना दिया, गिराने वालों को इनाम देकर क्या आप भी जनता में कोई संशय आप समझते हैं? कोई संशय नहीं है। अरे लोकतंत्र की हत्या की आपने और हथियारों को आपने, फिर भी कहते हैं कि आपने सरकार, ये जनता पे छोड़ देते हैं। सरकार गिराई गई क्या कांग्रेस के अंदर, जनता पे छोड़ देते हैं।
ये जनता पे छोड़ देते हैं हम, क्योंकि मैं आखिरी बात में सिर्फ इतनी कहना चाह रहा था कि हमने जांचें बिठाई, जांचें पूरी हो रही थी, डर के मारे सरकार के आने का खर्चा किया इन्होंने ताकि ये बेनकाब होकर जेल न चले जाएं। कांग्रेस आसाम में टूट रही है, कहां का वहां सब भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है क्या? तीन दिन मुख्यमंत्री बदल रहे हैं आप, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलते हैं आप, गुजरात प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है, कर्नाटक में, आप दोनों के पास में लौटूंगा के खिलाफ कितने विधायक हैं। अब्बास जी और आशीष जी, मैं दोनों के पास लौटूंगा एक बार, चुप हो जाता हूँ, आप बोलिए कि यही बात करेंगे। नहीं नहीं, मैं लौटूंगा आपको, पूरा भरपूर वक्त दूंगा। ठीक नहीं है ना कि मेरे सवाल पे ये पूछता बोल रहे थे आशीष जी, मैं अब्बास जी को वक्त नहीं दे रहा हूं, दे रहे थे, अगर मैं आखिरी के अंदर भी नहीं बोलूंगा आपकी बात पे तो ये तो बहुत अन्याय है। नहीं आशीष जी और अब्बास जी, देखिए मेरा वक्त तो दीपक जी उनने ले लिया ना, ये आशीष जी आपका जो वक्त है मैं लौटूंगा, लेकिन कब आप रुकते, आप तो भ्रम फैलाते रहे, आपको आशीष जी सुनिए ना, आशीष जी लंबा भाषण दिया, आपका वक्त बिल्कुल आपको दिया जाएगा, तो वो नॉन स्टॉप बोल रहे हैं और आप उनको सुनते रहे। मैं अभी वरिष्ठ पत्रकार के पास जा रहा हूं, आपका जो वक्त रहेगा बिल्कुल आपको दूंगा आशीष जी, मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगा। चलिए अब हम समय जाया ना करें इस पर, आशीष जी को मैं वक्त दूंगा। अब्बास जी प्लीज, अब्बास जी मैं आऊंगा आपके पास, आशीष जी को वक्त दूंगा। डॉक्टर नरेंद्र, मैं आपसे पृथ्वीपुर का थोड़ा सियासी समीकरण समझना चाहूंगा, क्योंकि यहां तो ऐसा कहा जा रहा है कि परंपरागत सीट रही है कांग्रेस की, ब्रजेंद्र सिंह राठौर यहां से जो पहले विधायक थे, अब उनके बेटे नरेंद्र, कितना नितेंद्र सिंह कमाल कर दिखा पाएंगे? अभी का फिलहाल सियासी समीकरण, आप वहां की हवा क्या देख रहे हैं पृथ्वीपुर में? आपको बताना चाहूंगा कि विधानसभा है उसमें चौथी बार चुनाव हो रहा है, वर्ष 2007 में यह विधानसभा अस्तित्व में आई थी परिसीमन के बाद, जब 2008 का पहला चुनाव हुआ इस पृथ्वीपुर विधानसभा पर, तो यहाँ से कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन वर्ष 2008 में ही चुनाव के दौरान भाजपा के प्रत्याशी रहे सुनील नायक की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर के वर्ष 2013 में उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव जीती थी, यानी कह सकते हैं कि सिंपैथी वोट उनको मिला था। इसके बाद वर्ष 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस से बिजय सिंह पुनः चुनाव जीते, और अब कह सकते हैं कि चौथी बार इस विधानसभा पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें बिजय सिंह के पुत्र नितिन सिंह राठौर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सपा से भाजपा में आए शिवपाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में कह सकते हैं कि ये सत्ता का चुनाव होता है, जो उपचुनाव होता है, और बुंदेलखंड में यह दूसरा उपचुनाव होने जा रहा है। पहला उपचुनाव दमोह सीट पे हुआ था, जहां नतीजा आपके सामने है, जबकि दूसरा विधानसभा उपचुनाव पृथ्वीपुर में होने जा रहा है। तो कह सकते हैं कि सत्ता के चार मंत्री लगातार पिछले 20 दिन से पूरी विधानसभा में डेरा डाले हुए हैं, और आज जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए हैं वो सातवीं बार आए पृथ्वीपुर विधानसभा में। इसके पहले उन्होंने रोड शो किया, कई 50 से अधिक नुक्कड़ सभाएं की, और उनके चार मंत्री लगातार 24 घंटे पूरे विधानसभा में जनता पर वो मैनेजमेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि दोनों दलों में कांटे की टक्कर है। थोड़ा सा डॉक्टर नरेंद्र, में देखा जाए अगर हम बात करें जी, तो सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर कांग्रेस और भाजपा में है, और आज निर्णायक भूमिका में अगर कोई खड़ा है तो वो उस विधानसभा का ब्राह्मण मतदाता है। नहीं बेशक बेशक, बीजेपी कांग्रेस में सीधा टक्कर तो है ब्राह्मण फैक्टर का ही, मैं इसी पर आ रहा था, आपने मेरी बात ले ली। दूसरा मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा, क्योंकि हम शिशुपाल यादव की बात करें तो पहले समाजवादी पार्टी में थे, अच्छी खासी टक्कर ब्रजेंद्र सिंह राठौर को दी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक सिंपैथी फैक्टर भी बताया जा रहा है, क्योंकि अब नितेंद्र के पिता स्वर्गीय हो चुके हैं, कहीं ना कहीं क्या उसका कांग्रेस को एक यहां पर फायदा मिल पाएगा, और नितेंद्र कितना कमाल दिखा पाएंगे? ये जो ब्राह्मण फैक्टर का आप जिक्र कर रहे हैं, ये क्या समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए शिशुपाल की तरफ जाता को नजर आ रहा है, या फिर कांग्रेस के नितेंद्र कुछ कमाल कर दिखा पाएंगे? अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, पृथ्वीपुर विधानसभा के जो ब्राह्मण मतदाता है वो इस समय साइलेंट मूड में है, कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि जो पिछला चुनाव हुआ था 2018 का, उसमें शिशुपाल समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा पृथ्वीपुर थी जहां बीजेपी प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई थी, पहली विधानसभा थी जहां बीजेपी प्रत्याशी को 12,000 से कम वोट मिले थे। तो कह सकते हैं कि भाजपा का अंदरूनी विवाद या टिकट को लेकर जो अंदरूनी विवाद रहा है वो इस बार भी स्पष्ट खुलकर के सामने आ रहा है। ब्राह्मण जबकि परंपरागत बीजेपी का मतदाता रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने से कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज में नाराजगी है। उसके पीछे रीजन है सुनील नायक के छोटे भाई जो सबसे प्रबल दावेदार थे, गणेश जी नायक,
उनको टिकट ना मिलना। तो नितेंद्र जो ये कह रहे हैं दावा कि उनके स्वर्गीय पिता की जो अधूरी योजनाएं रह गई हैं या जो वो विकास कार्य और करना चाहते थे, अब खुद वो यानी कि खुद नितेंद्र अपने स्वर्गीय पिता की उन योजनाओं को और जनता के विकास तक उन्हें पहुंचाने का काम करेंगे, ये मुद्दा क्या नितेंद्र को एक बड़ा फायदा पहुंचाएगा? बिल्कुल पहुंचाएगा। अगर आप इस विधानसभा सीट का इतिहास उठा के देखें तो सिंपैथी वोट देने की परंपरा रही है। वर्ष 2013 में सुनील नायक की पत्नी अनीता नायक को यहाँ से सिंपैथी वोट के चलते जनता ने चुना था। तो कह सकते हैं कि निश्चित कहीं ना कहीं इसका लाभ नितिन सिंह राठौर को भी मिल सकता है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। देखिए हमने बारी बारी से तीन वरिष्ठ पत्रकारों से अलग अलग सीटों का समीकरण, सियासी समीकरण क्या कह रहा है, ये समझने की छोटी छोटी कोशिश की है। लेकिन हमारे साथ देखिए दो राजनीतिक दल के मेहमान भी हैं, प्रवक्ता मेहमान बीजेपी कांग्रेस से। आशीष जी अब मैं आपको वक्त देता हूँ, बेशक आप पहले तो उसका जवाब देना चाहेंगे। छोटा सा इसी में मैं एक और सवाल एड ऑन कर रहा हूँ कि पृथ्वीपुर में तो आपके लिए इस बार थोड़ी मुश्किल दिख रही है क्योंकि शिशुपाल समाजवादी से आए हैं और जिसका जिक्र डॉक्टर नरेंद्र ने भी किया है कि पिछली बार तो जमानत जब्त हुई थी, बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल होगा पृथ्वीपुर में। लेकिन उसके पहले अब्बास जी ने जो आरोप लगाए हैं, बारी बारी से मैं आपको समय दे रहा हूँ, अब्बास जी आप बीच में मत बोलिएगा, समय देख लीजिएगा बस। देखिए पृथ्वीपुर में मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एक बार फिर परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा दिया है और एक आम कार्यकर्ता के लिए दोबारा संदेश दिया है कि तुम्हारे लिए हमारे संगठन में कोई जगह नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता अब क्या गुल खिलाएगा वो परिणाम के समय समझ आएगा। दूसरा विषय देखिए एक अंतर है, अभी माननीय पत्रकार महोदय बता रहे थे कि माननीय शिवराज सिंह जी ने कितनी सभाएं की, मंत्रियों ने कितने दौरे किए और कमलनाथ जी ने क्या किया। और मैं इसके साथ दूसरी चीज, जैसे अरुण यादव जी खंडवा लोकसभा में जहां जहां जाते थे या तो वो अपने फसल कटने की और लुटने की बात करते थे, नहीं तो वो मंच से आह्वान करते थे कि आपका एक वोट 2023 में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाएगा और 24 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बताएगा। आप बताइए ये वोट मांगने का कौन सा तरीका है? मध्य प्रदेश में कौन ऐसा मतदाता है जो 2023 में अलोकप्रियता के शिखर पे पहुंचे कमलनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है? और इस देश में सर्वे करा लीजिए, राहुल गांधी तो सबसे निम्नतर स्तर पर आते हैं। तो ये तो स्ट्रैटेजी थी कांग्रेसियों की, जो कांग्रेसी लड़ रहा है और कमलनाथ इसको छोड़ के पूरे कांग्रेसी उसको हराने में लगे हैं और यही कांग्रेसियों की विघटन और टूटन है। बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी ने यह चुनाव विकासवाद पे लड़ा है। अपनी 15 महीने की सरकार जो हमें दो कोविड वेव में 20 मार्च 2020 से मिली, उनकी उपलब्धियों को लेके लड़ा है और कांग्रेसियों ने जो 15 महीने की काली सरकार चलाई थी उसको जनता के बीच हमने वापस पहुंचाया। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता विकासवाद पे वोट देगी, जनता जातिवाद, तुष्टिकरण और ये परिवारवाद की राजनीति को एक बार फिर नकारेगी। चलिए जनता किस मुद्दे पर या किस बात को ख्याल में रखते हुए वोट देगी, छोटी सी 10 सेकंड में प्रतिक्रिया कुछ अब्बास जी आप कहना चाहेंगे? बस इतना सा कहना चाहूंगा, ये बड़ी बड़ी बातें भाजपा को भारी पड़ेंगी। परिवारवाद का जिक्र कर दिया भाजपा ने, हम पे आरोप फिर से लगा दिया आशीष जी ने, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। परिवारवाद वो है जब हमने सुलोचना रावत जी को टिकट नहीं देकर जोबट में टिकट बदलने का निर्णय लिया कि एक परिवारवाद से अलग बाहर आए, तो इन्होंने उस परिवारवाद को अपनाते हुए सुलोचना रावत जी को फिर से टिकट देने का वहां काम किया और हमारे कार्यकर्ता गुल खिलाएंगे। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि पृथ्वीपुर पे उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी खड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी से लाया हुआ, इनका कार्यकर्ता क्या कुल खिलाएगा? आप देख, बात खत्म कर रहा हूं। रहगांव विधानसभा की प्रत्याशी बाहर की मतदाता है, दूसरे इलाके की, उसके साथ साथ जो तीसरी जगह है जोबट है, जोबट के अंदर तो आप छोड़िए दूसरी पार्टी के प्रत्याशी है। आपका मूल कार्यकर्ता कहाँ है? तीन विधानसभाओं में से दो विधानसभा पे आपको भारी प्रत्याशी को टिकट देना पड़ गया, इटली से ले आए हो, समाजवादी पार्टी दूसरे कांग्रेस पार्टी के पास क्या परिवार नेता नहीं है जो इटली से आए हुए व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष बना रखा है? आपने पूरी तरह से लिप्त है, आपके पास बोलते रहिए, में कोई आपको नेता नहीं है, इटली से आए हुए लोगों को नेता बनाते हो, बात करते हो बहुत बड़ी बड़ी, तो आप उसको मध्य प्रदेश में अभी भी आप कमलनाथ के अलावा कोई और नहीं ढूंढ पाए कार्यकर्ता को। अरे एक छोटी सी आशीष जी के समाजवादी पार्टी का नेता को आप प्रत्याशी बनाते हैं अपना, आपका मूल कार्यकर्ता कहां चला जाएगा? जोबट के अंदर कांग्रेस से लाके एक परिवारवाद को धरने आए हुए कहां जाएगा आपका कार्यकर्ता? आया को आपने कार्यकारी अध्यक्ष बना, अच्छा सुनिए बहुत छोटी सी हमारे भाजपा बहुत छोटी सी आशीष जी, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मेरी व्यक्तिगत ये मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे। सुभाष यादव के बेटे अरुण यादव खंडवा से कई बार चुनाव लड़े, जीते भी हारे भी, लेकिन इस बार जो प्रबल दावेदार थे उनका टिकट कटा और जब
ज्ञानेश्वर पाटिल को दिया, तो ज्ञानेश्वर पाटिल को तो बीजेपी ने दिया, लेकिन कांग्रेस से जो राजनारायण को दिया अरुण यादव की जगह, उस पर बीजेपी सवाल उठाती है। और इधर अगर पृथ्वीपुर में नितेंद्र को मिला है तो आप फिर अलग अलग इसे दिशा में देखते हैं। देखिए बहुत स्पष्ट है, अरुण यादव जी का टिकट किस कारण से कटा है? अरुण यादव जी का टिकट कटा है अदावत के कारण, जो उनकी कांग्रेसियों से, और मैं तो कहता हूँ कांग्रेसियों की अदावत सदैव पिछड़े वर्ग से रही है। कांग्रेसियों ने सुभाष यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अरुण यादव जी से पहले प्रदेश अध्यक्ष जी चुनी गई, फिर उसके बाद उनसे यूपीए का मुख्यमंत्री पद छिनाया गया, तो ये तो सदैव पिछड़ों के साथ अन्याय करते हैं। चलिए, तो यही कांग्रेस के लिए कि नितेंद्र शेट्टी ने टिकट इन्होंने क्यों दिया परिवारवाद को प्रमाणित करते हुए, विषय नहीं है। चलिए, नितेंद्र अगर क्षेत्रीय नेता हैं तो यही मुद्दे पर शायद कांग्रेस ने दिया है, इसे हम परिवारवाद से जगह परिवारवाद। आप तो ये बता दीजिए, आपने एक इटालियन को क्यों कार्यकारी अध्यक्ष? आशीष जी, अब्बाजी, मध्य प्रदेश की जनता ये भी देख रही है कि मुद्दे तो अपनी जगह है, कोई जवाब नहीं है। अरे अरे नहीं, अब कन्हैया कुमार में नहीं जाते, अभी हम चार वापस चार सीटों पर आते हैं, जो है ना ये वैचारिक दिवालियापन। आशीष जी और अब्बास जी सुनिए, जनता ये भी देख रही है कि मुद्दे भले ही जो भी रहे हो, आप दोनों ही राजनीतिक दलों के अपने अपने जो भी मुद्दे रहे हो, बातें रही हो, प्रचार के दौरान नेताओं की बयानबाजी रही हो, लेकिन काफी तर्क टिप्पणियां भी देखने को मिली। ठीक है, फिर सफेद हो जाता है। हम आशीष जी, मैं ये कह रहा हूँ, जनता तमाम उन मुद्दों और बयानबाजी को तो सुन ही रही है, लेकिन इस बार काफी तल्खी भी देखने को मिली। मैं इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, लेकिन हम पहले अपने दर्शकों को उन नेताओं की कुछ तीखी आलोचना भरी प्रतिक्रिया सुना देते हैं जो इस उपचुनाव से पहले मंचों से नेताओं की तरफ से देखने को मिली। सुनिए, डीडी शर्मा, जब इसने निक्कर पहननी सीखी नहीं थी तब तो मैं सांसद था, और ये मुझे पाठ पढ़ा रहे, ये अब मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं 15 महीनों का। आइए बीजेपी के नेताओं, आप इस जनता को मूर्ख मत बनाइए, अपने 16.5 साल का हिसाब दे दीजिए, आश्वासन मत दीजिए, आप केवल हिसाब किताब दे देना जनता को। आंख नहीं चलती, कान जरूर करना चाहता हूं कि आज इस समय निर्णय का, सबक सिखाने का। अरे जब डालते हुए ये छुट्टा सांड हो गया है अमित शाह और मोदी, इनपे नकेल डालने की जरूरत है, ये जो है छुट्टे सांड हो गए हैं, इनपे नकेल डालने की जरूरत है। दिग्विजय सिंह प्रधानमंत्री जी पर या देशभक्त पर या देश के लिए काम करने वाले पर, तो उनके तो जींस में है। इस देश का सबसे बड़ा जयचंद कोई है तो दिग्विजय सिंह, और मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। और मध्य प्रदेश में तो एक छत्र कमलनाथ ही है। देखो, मुख्यमंत्री बनना हो तो कमलनाथ, मुख्यमंत्री नहीं बने नेता प्रतिपक्ष बनना हो तो कमलनाथ, कांग्रेस का अध्यक्ष बनना हो तो कमलनाथ, स्टार प्रचारक बनाना हो तो कमलनाथ, युवाओं का नेता नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, चारों ही हम अगर राजनेताओं की बात करें तो आपने देखा किस अंदाज में मंच से उन्होंने संबोधित करते हुए, हम कह सकते हैं कि इसे तल्ख टिप्पणी देखने को मिली, एक दूसरे पर आरोप तो लगाया ही, इसका कितना असर होगा? आशीष जी, छोटी सी प्रतिक्रिया आप पर, आपसे मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि देखिए कई बार ये होता है कि नेता जो बयानबाजी दे जाते हैं उसका सीधा असर भी होता है, फायदा भी मिलता है, कई बार नुकसान भी मिलता है। पिछली बार कमलनाथ ने आइटम वाला बयान देकर काफी सुर्खियां बटोरी थी, मुश्किल हो गई थी, इस बार निक्कर का बयान काफी सुर्खियों में रहा। 10-10 सेकंड की प्रतिक्रिया अब्बास जी और आशीष जी दोनों से लूंगा, पहले आशीष जी। लेकिन टिप्पणियों में अंतर है, ये तल्ख जरूर है, मगर किसमें कंटेंट है, किसमें सच्चाई है, वो सामने है। ये फायदा पहुंचाएगा या नुकसान? नेता प्रतिपक्ष थे, अगर मुख्यमंत्री हैं, अगर स्टार प्रचारक हैं, उसके अलावा कोई और नहीं है, तो ये सच्चाई है। परंतु ये निक्कर क्या सच्चाई है? ये निक्कर ये बताता है कि कांग्रेसियों के पास कुछ बचा ही नहीं है। और जब ये बोला जाता है कि दिग्विजय सिंह जी जयचंद हैं, तो दिग्विजय सिंह जी जब भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो क्यों निकल के आते हैं?
और दिग्विजय सिंह जी के लिए तो उमंग सिंगार कहते थे, वो ब्लैकमेलर है, शराब माफिया है, रेत माफिया है, ये तो कांग्रेसियों का आधिकारिक बयान है। तो किसमें कंटेंट है और कौन निचले दर्जे की बात कर रहा है, इन टिप्पणियों के आकलन से आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब्बास जी, ये जो तलखी देखने को मिली, फायदा पहुंचाएगी नुकसान? हमारे नेताओं की, कमलनाथ जी की, दिग्विजय सिंह जी की टिप्पणियां जो होती हैं वो सोची समझी होती हैं और तथ्यों के साथ होती हैं। अगर अगर हमने डबरा की आपने बात करी तो पिछले चुनाव में डबरा की जनता ने उस पर मोहर लगाई, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, तो उसके ऊपर डबरा की जनता ने मोहर लगाई, डबरा की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे चारों जो सीटें हैं वहां पर हमारा हमें सीधे सीधे फायदा मिलेगा। अरे इनसे जनता हिसाब किताब मांग रही, जनता को हिसाब किताब नहीं दे पा रहा है, इसलिए ये मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे हैं। अरे बेरोजगारों को रोजगार कब दोगे आप? ये मुद्दा है, ये मुद्दा नहीं है कि क्या है, किसने कब पहना। मुद्दा यह है कि महिलाओं को सुरक्षा कब दोगे आप? मुद्दा यह है कि महंगाई से निजात कब दोगे? मुद्दा यह है कि लूटपाट जो पेट्रोल डीजल में मचाई हुई है आप लोग कम कब करोगे? मुद्दे ये हैं और मुद्दों के अलावा आपके पास नहीं है जनता का सामना करने की हिम्मत नहीं है। कमलनाथ ने जो कहा वो उनका अलग विषय, वो समाप्त हो गया, वो अतीत हो गया। कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं, कमलनाथ जी ने जो बात कही उन्होंने कुछ सोची बात कही, लेकिन जनता से जुड़ी बात नहीं है। आशीष जी को ये क्लियर कर दीजिए, उसका रोजगार ये क्लियर कर दीजिए कि आपने जो अभी कथन बोला है कि डबरा पे जनता ने जिताया जो है, तो आप क्या कमलनाथ के बयान का समर्थन कर रहे हैं? किसी जनता, सबसे पहली बात मैं कह रहा हूँ कि आज कांग्रेसियों की बात करने का दम रखते हैं और जो बीजेपी की मां बहनों को आइटम कहते होंगे, इसलिए इनको ये चीज नहीं आती होती है। सबसे बड़ा विषय ये है दीपक जी, मैं यही कह रहा हूँ वर्तमान के राहुल गांधी, सोनिया गांधी की संस्कृति होगी अपनी मां बहनों को आइटम। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आशीष जी, आप दोनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, समय की मेरे पास कमी है।